ईपीएफओ कर्मचारियों की बल्ले बल्ले सैलरी होने जा रही है 21,000 रुपये प्रतिमा। यानी कि अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन धारक है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है। अब आपकी जो वर्तमान में सैलरी लिमिट है 15,000 रुपये, उससे बढ़ा करके ईपीएफओ करने जा रहा है 21,000 रुपये। तो मौजूदा नियमों के तहत 20 से अधिक कर्मचारी वाली किसी भी कंपनी को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और 15,000 रुपये से कमाई वाले सभी कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ योजना है उससे बहुत ही अनिवार्य लागू किया जाता है। सीमा को अब आपकी जो पेंशन सीमा है उसे भी बढ़ाया जाएगा और साथ ही सैलरी सीमाएं जो बढ़ा करके 15,000 से 21,000 रुपये किया जा रहा है, जिससे अधिक कर्मचारी सेनावृत्ति योजना के अंतर्गत आएंगे और यह सीमा को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के साथ भी इसे लागू किया जाएगा और यहाँ भी आपकी सैलरी लिमिट 21,000 रुपये किया जाएगा। इस तरह ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकलकर ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय बोर्ड में शामिल के रघुनाथ ने कहा है कि ईपीएफओ के भीतर एक आम सहमति है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत वर्तमान में जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों योजनाओं के तहत मानदंडों में श्रमिकों को उनके सामाजिक सुरक्षा जो लाभों से वंचित नहीं करना और समान पेंशन बढ़ोतरी करना। यानी कि ईपीएफओ के कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है ईपीएफओ हर साल यानी 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करता है। ये सरकारी खजाने के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि वर्तमान में ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल यानी 6,750 करोड़ रुपये का ईपीएफओ यानी कि हर साल भुगतान करता है। सरकार इस योजना के लिए ईपीएफओ ग्राहकों के कुल मूल वेतन का यानी कि 1.16% योगदान करती है। तो इस तरह ईपीएफओ के कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी यानी कि खुशखबरी निकलकर आ रही है।